हेलो असलम, कैसे हैं आप साहब? फ्रेंड, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप साहब खैरियत होंगे। तुम्हारा आज का टॉपिक, आप गूगल क्रोम की हिस्ट्री को डिलीट करना चाहते हैं तो आप कैसे कर सकते हैं? हमारा आज का ये टॉपिक है। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं सब बहन भाई दरख्वास्त करता हूँ कि अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि मेरी जितनी भी नई वीडियो आने वाली आप तक पहुँच सकें। चलते हैं टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। इसके लिए क्या करते हैं, आप गूगल क्रोम को ओपन करते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर थ्री डॉट पर आप क्लिक करके हिस्ट्री को आप डिलीट करते हैं, लेकिन इस तरह से आपने डिलीट नहीं करना। सबसे पहले मैं आपको इस तरह से डिलीट करके दिखाता हूँ। यहाँ पर आप क्लिक करते हैं, उसके बाद हिस्ट्री पर क्लिक करते हैं और यहाँ से आप हिस्ट्री को, जो ऊपर ऑप्शन होता है आपके पास डिलीट का, डिलीट ब्राउज़र हिस्ट्री, तो आप यहां से डिलीट कर देते हैं। लेकिन आपने इस तरह से डिलीट नहीं करना। अगर आपने हिस्ट्री को डिलीट करना हो गूगल क्रोम की, तो आपने क्या करना है, यहां पे आपके सारे के ऑप्शन पे आपने लिखना है गूगल एक्टिविटी, ठीक है। यहां पे आपने ये टाइप करना है, ठीक है। इस तरह से गूगल लिख के, गूगल एक्टिविटी, ठीक है, ये आपने लिख के सर्च करना है, ठीक है। आप ये लिख के आप जैसे ही सर्च करेंगे यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा माई एक्टिविटी। सिंपली आपने इस पर क्लिक करना है, ठीक है। इस पर आप जैसे ही क्लिक करते हैं उसके बाद ये थोड़ी सी लोडिंग लेगा। उसके बाद आपके फ़ोन में जो इस तरह से दिखाई देगा, यहाँ पर जो भी आपने एक्टिविटी गूगल क्रोम में की होंगी, यूट्यूब में की होंगी, यहाँ पर आपको दिखाई देगा। यहाँ पर एक ऑप्शन आपको मिल जाएगा डिलीट वाला, सिंपली आपने इस पर क्लिक करना है। इस पर आप जैसे ही क्लिक करते हैं उसके बाद यहाँ पर इस तरह से दिखाई देगा। यहाँ पर होगा लास्ट आवर, उसके बाद लास्ट डे ऑलवेज, ठीक है। आपने ऑलवेज पे क्लिक करना है, ठीक है। ऑलवेज पे क्लिक करने के बाद इस तरह से आपको दिखाई देगा। उसके बाद यहाँ से आपने जो इसमें से सेलेक्ट नहीं करना, अगर आप यूट्यूब की चाहते हैं हिस्ट्री डिलीट ना हो, या प्ले स्टोर की, या इनमें से कोई भी चाहते हैं, तो इस तरह से उस पर आगे क्लिक कर लेना, ठीक है। सिंपली आप क्लिक करेंगे वो उसकी हिस्ट्री डिलीट नहीं होगी, ठीक है। उसको सेलेक्ट करने के बाद आपने क्या करना है, जब आप सबको सेलेक्ट कर लें या जो आपने सेलेक्ट नहीं करना तो उनको करके उसके बाद आपने नेक्स्ट पे क्लिक करना। नेक्स्ट पे आप जैसे ही क्लिक करते हैं उसके बाद यहाँ से इस तरह से दिखाई देगा। उसके बाद फिर से आपने डिलीट के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। इस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे उसके बाद आपकी जो हिस्ट्री होगी वो डिलीट हो जाएगी। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। तो आखिर पे मैं सब बने हुए ये उससे दरख्वास्त करता हूँ कि अगर आपने मेरे चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि मेरी जितनी भी नई वीडियो आने वाली आप तक पहुँच सकें। अल्लाह हाफिज़।